गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल टॉय इंजीनियरिंग मटेरियल में सारे यूनिट्स आपके कवर्ड अप हो चुके हैं, तो अब रिपीट करेंगे हम लोग। इस यूनिट में हम फर्स्ट यूनिट से लेकर रिपीट करना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट यूनिट से कैसे स्टार्टिंग करते हैं रिपीट करने का, और जो थोड़ा बहुत चीज़ें बची हुई हैं वो आपको पढ़ा दी जाएंगी जल्दी ही। मगर अभी हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग की अब एक ही यूनिट बची हुई है तो रिपीट करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम लोग रिपीट कर ले रहे हैं। स्टार्ट से पढ़ाते हैं यूनिट फर्स्ट से। ठीक है, चलिए यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट का नाम आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है आपकी मटेरियल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, इस यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ आपको पढ़ने से मटेरियल्स पढ़ने, उसके कितने टाइप्स होते हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या क्या हैं, फिर उसके बाद आप मटेरियल को डिफाइन कैसे करेंगी, कौन से कंडक्टिव मटेरियल्स है, इंसुलेटिंग है या फिर सेमी कंडक्टर है या कोई स्पेशल टाइप है मटेरियल्स है, तो इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे एज अ एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे और लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के आधार पे हम मटेरियल के एटॉमिक की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिनेशन ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, तो मटेरियल क्या होता है, किसी चीज़ को बनाने के लिए जो हम पदार्थ यूज़ करते हैं उसको हम मटेरियल बोलते हैं बेसिकली बात है। पर हम अगर हम उसी चीज़ को अगर हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लें या फिर हम टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की बात कर लें, तो जिस चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा मटेरियल कहलाता है। जैसे कि हम एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाते हैं, मान लीजिए डायोड्स बना रहे हैं, तो डायोड्स हमारा जिस चीज़ का बना हुआ है वो जो है मटेरियल, वो किस मटेरियल का बना हुआ है वो आपका हो जाता है क्या, सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो एक ये आता है कि हम मटेरियल को डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये जैसे हम बोलते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं मटेरियल कोई प्रॉपर्टीज़ को और ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं कि हम उस जो भी एक किसी भी मटेरियल की जो भी प्रॉपर्टी है उसको और अच्छा करके उसकी उसकी टेक्नोलॉजी को और अच्छा बढ़ाया जाए, अच्छा बनाया जाए। जैसे कि आप अकॉर्डिंग आप बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और होल का फेनोमेना जो हमारे सेमी कंडक्टर मटेरियल्स में काम आता है, तो यहाँ पे अगर हम होल को और इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे सेमी कंडक्टर मटेरियल के दोनों हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की कैपेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए हम किसी दूसरे इंप्योरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आर्सेनिक को जैसे हम करते हैं नॉर्मली डालते हैं हम एक प्योर नहीं एक्साइटिंग सेमी कंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए हम जो इम्प्योरिटीज़ को मिलाते हैं, जैसे कि एन टाइप पी टाइप के हम सेमी कंडक्टर मटेरियल्स बनाते हैं उसमें हम इम्प्योरिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, तो उस इम्प्योर मटेरियल मतलब कि आर्सेनिक की प्रॉपर्टीज़ और जो प्रॉपर्टी आपकी सिलिकॉन की है, तो उन दोनों ही में इलेक्ट्रॉन के फंक्शन करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है, दोनों ही में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ कलर डिफिनेशन करने की कैपेबिलिटी अलग होती है। ठीक है, तो हीटिंग कैपेबिलिटी अलग अलग होगी, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो क्योंकि हमको किसी मटेरियल के अंदर एटम्स ही हमको मिलते हैं, बेसिकली हम एटम्स की ही बात करते हैं, जो जो कि हमको जो एटम्स हैं मिलेंगे इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के अंदर, एक ही फेनोमेना में अलग अलग तरीके से काम करता है जो भी इलेक्ट्रॉन, उस चीज़ को हम चेक करते हैं, उसी चीज़ को हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का बढ़ना या घटना। ठीक है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मटेरियल, और उस मटेरियल के अंदर जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की हम स्टडी कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी के अंदर हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा मटेरियल हमारा कंडक्टिव है, कौन सा इंसुलेटिंग और कौन सा सेमी कंडक्टर मटेरियल है, तो इस बारे में आगे आगे चलते हैं, आगे हम पता करते हैं कि मटेरियल के बारे में हम कैसे कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको एक बार और बता भी चुकी हैं कि कैसे कैसे हमको पता चलता है क्या मटेरियल के बारे में, तो हम मटेरियल की बेसिकली जानकारी पता करते हैं किसी भी, जैसे कि आपके सामने कोई एक ग्रीन कलर रख दिया जाए, आपके सामने मान लीजिए कोई ऐसा बहुत ढेर सारे कलर मिक्स करके रख दिए जाए, और फिर ये आपको कहा जाए कि इसमें से आप एक पीला रंग बताइए, येलो कौन सा है, रेड कौन, तो आपको जब पहचान होगी कि ये टेंडेंसी होती है येलो रंग की, ये टेंडेंसी होती है ग्रीन रंग की, तभी आप उस बारे में बता पाएंगे। तो ऐसे ही हम मटेरियल को पहचानने के लिए हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स उनके पास कितने हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने की वजह ये होती है कि हम उसी के कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर पता करते हैं कि हमारे जो आउटर मोस्ट सेल्स हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, और उसके बारे में हम पता करते हैं, और वहीं से हमको पता चलता है कि को किस टाइप के मटेरियल्स के अंदर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
जो टाइप की हमने बात अभी तक आपको बता रहे थे किस टाइप के मटेरियल्स के अंदर जाएगा, तो बेसिकली हमको सॉलिड फॉर्म सॉलिड स्टेट में हमको पढ़ना है मटेरियल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स के बारे में हमको सॉलिड स्टेट पे पढ़ना है। तो सॉलिड स्टेट में हम जिस भी की हम बात करेंगे वो कोई भी कन्फ्यूजन होगा वो मेटल सेरेमिक्स पॉलीमर्स और सेमी कंडक्टर इंक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम सॉलिड स्टेट में ही यहाँ पढ़ सेमी कंडक्टर मटेरियल्स हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसको हम सॉलिड स्टेट में ही पढ़ते हैं, क्योंकि मेटल्स की तो कई टाइप्स हो जाएंगे ना। अगर हम कोई ले सी तीन तरीके से हमको गैस लिक्विड और सॉलिड तीन तरीका मिलता है, तो हमको लास्ट वाले फॉर्म को पढ़ना है जो कि आपका सॉलिड फॉर्म होता है, और सॉलिड फॉर्म के अंदर भी हम लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम जानकारी जो प्राप्त करेंगे वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्राप्त करेंगे, जैसे हमको पता चल जाए कि कौन कंडक्टर है, कौन सेमी कंडक्टर है और कौन नॉन सेमी नॉन मेटल से, मतलब कि इंसुलेटर से पॉलीमर्स कहला सकते हैं, तो इसके बारे में पता चल। उसके बाद हम जिस चीज को पढ़ेंगे फर्दर स्टडी हम जो करेंगे वो हम आएगा हमारे सामने क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में हम क्रिस्टल फॉर्म को पढ़ते हैं जो कि एक फिजिकली उसको हम क्या कर सपोज करके हम उसको देख सकते हैं या फिजिकली हमको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मेटल के अंदर चलते हैं, और इसी मेटल को अगर हम इलेक्ट्रिकल की भाषा में बात करें और इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में बात करें, जो मेटल्स होते हैं वही आपके कंडक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। सेरेमिक्स की हम बात करते हैं, सेरेमिक्स हमारे नॉन कंडक्टर मेटल्स होते हैं, और अगर हम पॉलीमर्स की बात करते हैं तो पॉलीमर्स हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। और सेमी कंडक्टर एक स्पेशल तरीके का मटेरियल होता है जो कि आपको ये फिनोमेना जब हमारे सामने आया था तो हमको इलेक्ट्रॉन्स के बाद एक नया हमारे सामने एक इलेक्ट्रॉन के बाद एक नई कन्वर्जन जो हमारे सामने दिखी थी वो होल्स की दिखी थी जो जनरेट होते थे इलेक्ट्रॉन से ही। तो ये इनका फिनोमेना जो है वो डिफरेंट है, एकदम अलग है, और साथ में हम एक एक को लेके चलेंगे। तो पहला हम इलेक्ट्रिकल की बात कर लें तो हम मेटल्स को ही कंडक्टर बोलते हैं, सेरेमिक्स और पॉलीमर्स दो चीज़ें हमारी जो मिलती हैं। तो सेरेमिक्स हमारे आ जाते हैं नॉन मेटल्स में और पॉलीमर्स हमारे इंसुलेटर्स में आते हैं। सेमी कंडक्टर एक अलग तरीके का मटेरियल ही हो जाता है जिसकी क्लासिफिकेशन अलग होती है। आगे चलते हैं मेटल्स, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है मेटल्स के बारे में। मेटल को पहचानने का सबसे इजी और आसान तरीका ये है कि कोई भी मटेरियल आप ले लीजिए और उसका एटॉमिक नंबर जो जो भी एटॉमिक नंबर हो उस अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर को आप बोर्स मेथड बोर्स का जो एक लॉ है उसके अकॉर्डिंग आप तोड़ दीजिए डिफाइन कर दीजिए। जैसे कि मैंने मान लीजिए ले लिया सोडियम, मान लीजिए 11 है, ठीक है। तो आपको पता है कि सोडियम का कॉन्फिगरेशन हम अगर बोर्स मॉडल लॉ से इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं तो कैसा बनता है, सोडियम का होता है 11, ले लीजिए 11 हो गया, तो हम उसका कॉन्फिगरेशन कैसे बनाएंगे, 2 6 6 2 8 और 8 3 8 3 9 10 11, 8 3 11, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में हमने जो देखा वो हमने देखा क्या, हमने जो मेटल्स को आउटर मोस्ट सेल में देखा वो हमने देखा कोई भी मटेरियल हो जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको अगर मिलते हैं तो वो मटेरियल हमारा मेटल कहलाता है जिसके आउटर मोस्ट सेल में हमको 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। कन्फिगरेशन के तौर पर मैंने आपको ये बता दिया कि हाँ, तो देखिए हम लोग मेटल्स के बारे में बात कर रहे थे कि कोई भी मटेरियल को पहचानने का तरीका क्या है। सबसे पहले मेटल्स की बात करते हैं और इलेक्ट्रिक भाषा में उसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स हम इसलिए बोलते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में हमारे, देखिए मेटल्स को लेंगे जिसके आउटर मोस्ट सेल में हमारे 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। अब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हम पता कैसे करेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन को हम ध्यान रखेंगे, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, आप लोगों ने अरे उसमें केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाई जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि सोडियम 11 उसका एटॉमिक नंबर है, तो उस 11 एटॉमिक नंबर है, अब इसको कॉन्फ़िगरेशन हम 2 6 और 3 के रूप में बनाया गया है बोर्स मॉडल के अनुसार। बोर्स के अनुसार हमने इसको इस तरह बना दिया। अब आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं जो, तो ये हमारा कन्फर्म करेगा कि ये हमारा जो मटेरियल है वो मेटल है, ठीक है। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ से आपको मेटल पता चल जाएगा कि मटेरियल कौन से फॉर्म में आ रहा है, मेटलिक फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब हमको पता करना है कि अगर वो मेटल्स के फॉर्म में है तो उनके अंदर क्या क्या चीज़ें बेसिकली होनी चाहिए। तो मेटल्स है तो कंडक्टिविटी हाई होगी ही होगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लिखी भी हुई है
और एक चीज और आपको बता दे रहे हैं कि जैसे एल्युमिनियम सोडियम ये सारे जो आपके मेटल्स लिखे हुए हैं ये सारे आपको जो आपका पीरियोडिक टेबल है ग्रुप ए और ग्रुप टू के जितने भी मटेरियल्स होंगे वो सारे आपके मेटल्स कहलाते हैं। मेटल आर द बेसिकली द सॉलिड फॉर्म, ये भी आपको पता ही होगा। बहुत ही कम स्टेट होता है कि जिसमें हम मेटल्स को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं आवश्यकता के अनुसार, या उसको हम गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल में जो भी डिवाइसेस बनाएंगे वो सारी डिवाइसेस हम सॉलिड फॉर्म में, उस मटेरियल के जो जो भी डिवाइस बनाएंगे उस मटेरियल की जो स्टडी करेंगे वो हम सॉलिड फॉर्म में ही करेंगे, और सॉलिड फॉर्म के भी हम क्रिस्टलाइटिव स्ट्रक्चर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ आपको बता दी कि मेटल्स को कैसे पहचानेंगे। सेकंड चीज़ आपको ये भी पता चलेगा कि हम सॉलिड फॉर्म का मेटल के सॉलिड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिकल में, और इसके साथ ही ये भी पता चलेगा कि आपका जो कंडक्टर होता है मतलब कि मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सेकेंड चीज हम चलते हैं सेरेमिक्स पे। सेरेमिक्स के बारे में बहुत ही सिंपल और सीधा चीज फंडामेंटल जो इसका ये है कि सेरेमिक्स एक चीनी मिट्टी की धातु होती है। एक ऐसा नॉन मटेरियल होता है जो क्या करता है अपने अंदर हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। टेंडेंसी हमारी यही है कि जो सेरेमिक्स होंगे हमारे वो हीट को ऑब्जर्व करने के लिए बेसिकली यूज किए जाते हैं। और एक चीज इसके अंदर जो चीज जो हमको मिलती है क्योंकि ये नॉन मेटेलिक होता है मतलब नॉन मेटल है, तो हमको इसके अंदर बॉन्डिंग भी थोड़ी सी ध्यान में देखनी पड़ती है कि कैसा इसके अंदर बॉन्डिंग हो रहा है। तो जो सेरेमिक्स होते हैं मोजली आपके जो सेरेमिक्स आपके जो बनेंगे वो आपके मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों तरह की बॉन्डिंग प्रीफर करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बना सकते हैं। ये कैपेबिलिटी ऑब्जर्वेशन इनकी इतनी होती है कि कितनी भी ज़्यादा हीट हो उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, और बेसिकली इसी नेचर की वजह से इनको इस्तेमाल भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए यहाँ पे दिखाया गया आपको कि जो हमारे पोल्स होते हैं पोल्स के अंदर आप वायरिंग अगर देखेंगे तो तारों के बीच में यहाँ पे ये जो फेनोमेना आपको दिख रहा है ये जो चीज आपको दिख रही है ये जो जिस मटेरियल के ये बने हुए हैं ये चीनी मिट्टी के होते हैं और इसी को सेरेमिक्स बोलते हैं। टेंडेंसी यहाँ पे ये लगाने का मकसद हमारा यहाँ पे इनका ये इतना है कि जो वायर्स है उनके अंदर हीट ज्यादा डेवलप होती है, हीट डेवलप होने की वजह हो जाती है आपके इलेक्ट्रॉन का लगातार एमिट करना, लगातार इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से लड़ते रह एक दूसरे को पुल अप करते हैं मतलब कि एक दूसरे से लड़ते हैं लगातार बढ़ते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो बढ़ती जाती है। एनर्जी बढ़ने की वजह से हीट ज्यादा से ज्यादा डेवलप होती है, इसके साथ टेम्परेचर बहुत हाई जाता है। टेम्परेचर हाई जाता है तो एक वायर के गल सकता है, एक वायर में कई चीजें खराब हो सकती है, आग लग सकती है उसमें, तो उस सारे टेम्परेचर को ऑब्जर्व करता है आपका ये जो छोटा सा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है चीनी मिट्टी को बना होता है ये ऑब्जर्व करता है। तो यही मेन फंक्शन होता है सेरेमिक्स का कि ये बहुत ज्यादा हीट को ऑब्जर्व कर लेता है अपने अपने पास, और इसी 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 वजह से इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज भी करते हैं। और बहुत बहुत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे कि डिवाइस है जिसमें हम इसका यूज करते हैं जहाँ पे हम आसानी से हीट को ऑब्जर्व करा लेते हैं इनके अंदर पोल्स में ये नॉर्मली आपको दिख जाएंगे। उसके बाद अगर आप कहीं पे भी आपको पावर प्लांट्स वगैरह दिखे तो वहाँ पे भी ये बहुत ही लगे होते हैं जिसके जिसकी वजह से क्या होते हैं ये उन वायरों की हीट को जितना डिस्ट्रीब्यूशन करंट का वहाँ पे हो रहा है वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे हो रहा है उसको क्या करता है वो जितनी भी हीट वहाँ से ऑब्जर्व हो रही है उसकी वजह से टेम्परेचर जो पड़ रहा है उसको ये ऑब्जर्व करता है। और वहाँ पे कोई भी वायर जो आपका होता है कि इतनी क्योंकि मान लीजिए 200 मान लीजिए 1200 वोल्ट का अगर करंट वोल्टेज सप्लाई हो रही है तो उसकी वजह से जनरेट होने वाला करंट जो है जनरेट जो करंट हो रहा है वहां पे करंट कैसे जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तभी ना। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो एक दूसरे को एमिट करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे भी मतलब आगे चलते फिरते टाइम वो एक दूसरे को आगे पुशअप भी करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रॉन जैसे से लड़ेंगे और एनर्जी का बहुत लॉस होगा। जो लॉसेस एनर्जी का होगा ए फॉर्म ऑफ हीट होगा, वो लॉसेस किस में लॉस किस फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाएगा हीट के फॉर्म में। और जितना ही वायर हीटेड होगा जितना ही वायर हीट करेगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर उस वायर का बढ़ेगा, तो जब वो टेम्परेचर जब वायर का बढ़ेगा तो उसमें ये खतरा रहता है कि वायर आपका गल सकता है, हो सकता है उस वायर में आग लग जाए। तो सारी टेम्परेचर को ऑब्जर्व को उसके टेम्परेचर को उसकी हीट को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक मटेरियल का यूज़ करते हैं सेरेमिक मटेरियल जिसको हम चीनी मिट्टी के बने होते हैं, चिपटे आकार में इनको बना के उस वायरों के बीच लगाया जाता है जिससे कि वो हीट को ऑब्जर्व कर पाए। तो ये फंडामेंटल जो होता है आपका पूरा फंडामेंटल जो होता है ये सेरेमिक्स का काम का
होता है, मतलब सेरेमिक की वजह से ही होता है। नेक्स्ट चीज एक जो हम इसके अंदर देखते हैं पॉलीमर्स, जो मटेरियल के टाइप्स में आ जाता है वो आ जाता है आपका पॉलीमर्स। पॉलीमर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली पॉलीमर जो होता है आपका कहने को कहा जाता है कि बहुलक, हिंदी में बोलते हैं बहुलक, की बहुत सारे एटम्स मिलके बनाते हैं। फंक्शन हमारा कुछ इस तरह का स्टेबल होता है। इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पॉलीमर से बेसिकली यूज फॉर द इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह होता है, विच इज वेरी सिंपल डिफिनेशन एंड द वेरी सिंपल लेआउट ऑन दिस। जस्ट अ सेकेंड, देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया, मान लीजिए मैंने ये बॉक्स लिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या है, जैसे पॉलीमर का फंक्शन क्या होता है, इनके एटम्स एक दूसरे से काफी दूरी पे होते हैं, ठीक है, काफी दूर पे होते हैं, काफी दूर पे होते हैं। पॉलीमर्स के अंदर की बहुत से टाइप्स आते हैं, मगर हम लोग को उतने टाइप्स नहीं पढ़ना, हमको बेसिकली बस ये जानना है कि पॉलीमर्स का बेसिकली वर्क क्या करेंगे, किस तरीके से वर्क करेंगे। जैसे ये इतनी दूरी दूरी पे एटम्स होते हैं, तो इन ये एटम्स की दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से इनके बीच क्या होता है, एनर्जी जो होती है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पे, अब उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आने के लिए इस जगह पे आने आने आएगा, तभी तो वो गुड कंडक्टर हो पाएगा, या तभी तो अपनी एनर्जी को पूरा यूज कर पाएगा, मगर वो यहाँ तक आ ही नहीं पाता। और यहाँ इनके बीच में ही क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे से कंडक्टिविटी ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इनके बीच, एटम्स के बीच ही इतना डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हैं, आप फर्स्ट सीट पे बैठे हैं और आपका आपका जो फ्रेंड है एकदम लास्ट सीट पे बैठे, अब आपको उस तक अपनी बुक पहुंचानी है कुछ में, तो बीच में आप अपने हर एक दोस्त को बुक वगैरह देते जाएंगे कि चलिए वहां तक पहुंचा दीजिए, तो हो सकता है कि पहुंचाते पहुंचाते आपकी जो बुक बुक है या जो भी चीजें हैं जो आप दे रहे हैं उसका बुक के पेजेस कुछ खत्म हो जाए, हो सकता है कुछ पेज गिर जाए या कुछ, तो इस तरह आपकी बुक प्रॉपर तरीके से वहां नहीं पहुंच पाएगी। प्रॉपर तरीके से ना पहुंचने की वजह से जो आपने जो एक मान ली 10 पेज की आपकी बुक थी और आपका पहुंच रही है आपके पास 4 पेज की बुक, तो आप कंडक्टिविटी अच्छी नहीं कर पाएंगे। पॉलीमर इसी तरह फंक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके एटम्स के, वो दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में जो एनर्जी होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी नहीं हो पाती है। और दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारा एनर्जी एक जगह दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाते, एनर्जी हमारी उतनी वहां पर लेवल पर नहीं पहुंच पाती, तो बैंड हमारा जो रहता है वो डेवलप नहीं कर पाता उनके बीच पे, और गैपिंग हो जाती है, एनर्जी की गैपिंग हो जाती है, तो वही वही चीज हमारी कहलाती है पॉलीमर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में इसको हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड चीज जो आपको यहाँ पे जो पढ़ने को आपको मिलेगी वो बड़ी मिलेगी आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल आने के पहले हमारा जो हमारी जो फील्ड थी, हमने हमने जिस पे रिसर्च की हुई थी, वहाँ पे हमको किसी भी मटेरियल, किसी भी डिवाइस को बनाने के लिए, कोई भी डिवाइस अगर हम डेवलप करते थे उसको बनाने के लिए बनाते थे, जब हम उसको बनाते थे तो उसमें हमको क्या होता था, करंट को बैलेंस करने के लिए, वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए डिफरेंट तरीके एक डिफरेंट तरीके का इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता था। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बैलेंस करने, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम इतना भी नहीं कर बढ़ा सकते हैं कि हमारी डिवाइस ब्लास्ट कर जाए, इतना घटा भी नहीं सकते कि हम वो डिवाइस वर्क ही ना करें, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक पर्टिकुलर बैलेंस की एक वोल्ट, मान लीजिए मैंने एक वोल्ट मीटर बनाया, उसमें मैंने एक ये क्या, मैंने 5 वोल्टेज का वोल्टेज सप्लाई देनी है, मेरे को 5 वोल्टेज सप्लाई अगर हम मुझको देनी है तो मैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का कितना इस्तेमाल करूंगी, उतना ही इस्तेमाल करूंगा जो 5 वोल्ट तक वो पहुंचा पाए, अगर इलेक्ट्रॉन्स तो पास फिक्स एनर्जी तो है नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो अपनी एनर्जी वेरिएबल रखता है, हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेरिएबल होती है, ये तो पता ही आप लोग को, तो जब हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेरिएबल होती है तो कोई फिक्स अमाउंट तो उसका है नहीं, तो उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई थी। पहले हम एक वैक्यूम ट्यूब लेते थे, जिसके अंदर हम वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम 2 एनोड और एक कैथोड की प्लेट लगाते थे, अब इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते थे, हीट करते थे, ठीक है, हीट करते थे और बैटरी के थ्रू उसको हम कनेक्ट करते थे, कि यहाँ पे एक फिगर में बना भी हुआ है, एक सेकेंड, हाँ ये फिगर में बना हुआ है, एनोड की 2 प्लेटें हमने ली है और ये हम मैंने वैक्यूम ट्यूब लिया, क्योंकि बहुत बड़े वैक्यूम ट्यूब लिए जाते थे, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर एयर टाइट होगा, ये एयर टाइट होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक जगह से दूसरी प्लेट पर जाने जाएंगे खुद से तो नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, बाहर से हम इनको सप्लाई देते थे हीट की, हीटर लगा देते थे जिसकी वजह से ये प्लेट जो होती थी हीटेड होती थी, प्लेट हीट होगी और आपको ये पता है कि जैसे प्लेट जैसे भी कोई भी कंटेनर मटेरियल हीट करेगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट करना तुरंत शुरू कर देंगे,
जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करना शुरू कर देते, तो ये जैसे कि इनको हम लगातार हीटिंग देते जाते थे, इनकी टेम्परेचर को लगातार बढ़ाते जाते, जैसे इतनी टेम्परेचर हम देते थे कि ये अपने जो इनकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, मतलब इसके अंदर जो एयर रखा गया, उस एयर एयर की स्ट्रेंथ को तोड़ के दूसरे प्लेट पे कनेक्ट हो जाते थे। जैसे ही दूसरे प्लेट पे कनेक्ट हो जाते थे, तो इनके बीच जो एनर्जी लॉस होती थी उसका इस्तेमाल हम कर लेते थे उस इंस्ट्रूमेंट को रिलीट कराने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जितनी एनर्जी उनके पास थी, उस एनर्जी को कुछ लॉस करते हुए जितनी हमको चाहिए उतनी एनर्जी यहाँ तक प्लेट तक पहुँचती थी, और उसका इस्तेमाल हम बैटरी वगैरह में लगा के कर लेते थे। ठीक है, तो इस तरह हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके, हम जब हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं आया था, हम कंडक्टिंग मटेरियल को यूज़ करते थे। उस कंडक्टर मटेरियल की जो अगर हमको 5 वोल्ट का करंट वोल्टेज चाहिए, तो हम उसको 5 वोल्ट तक वैक्यूम ट्यूब के सहारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम घटाते थे। तो इस फेनोमेना में बहुत ज़्यादा समय लगता था, कम से कम बहुत समय लग जाते थे एक डिवाइस को डेवलप करके, उस डेवलप करना, फिर उसको उस कप उतने ही वोल्टेज पे ला के खड़ा करना, उतनी उतनी एम्पियर करंट पे उसको ला के बैलेंस करना। ये सब चीज़ें करने के लिए वैक्यूम ट्यूब के साथ सही ने बहुत समय लगता था और बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता था। तो उस समय फिर लोगों ने ये सोचा कि कुछ ऐसा चीज़ें डेवलप की जाए या देखी जाए, ढूंढी जाए, जिससे ये फेनोमेना हमारा ईजी हो जाए। तो रिसर्च करते करते 1820 में ऐसा हुआ कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सब खोज के दौरान देखा कि उनको एक ऐसा मटेरियल मिला जिसका फंक्शन, वर्क करने का फंक्शन ही कोई डिफरेंट था, और जो जो वर्किंग फंक्शन उसमें देखा गया कि इलेक्ट्रॉन, और साथ में एक और फेनोमेना जन्म ले लिया कि होल्स का, इलेक्ट्रॉन और होल्स के फेनोमेना पे एक मटेरियल काम करने लगा जिसको हमने सेमी कंडक्टर मटेरियल नाम दिया। अब सेमी कंडक्टर मटेरियल का जो डिफिनेशन सामने आया वो ये आया कि एक ऐसा मटेरियल जो कंडक्टिविटी का भी काम करा सके और जो इंसुलेटर का भी काम करा सके, मतलब कि एक ही डिवाइस में उस मटेरियल को इस्तेमाल करने से हम उस डिवाइस को करंट से कनेक्ट भी कर सके, और जब हम चाहें तो उस डिवाइस को करंट से कनेक्ट ना भी कर सके। ठीक है, देख ऐसा मटेरियल हमारे सामने आया सेमी कंडक्टर, और जो कैरियर चार्ज और कैरियर्स पे काम करता था, मतलब कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पे काम करता था। ठीक, ये सेमी कंडक्टर की आपकी डिफिनेशन हुई। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सेमी कंडक्टर मटेरियल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये चीज लिखी भी हुई है सेमी कंडक्टर मटेरियल के बारे में। सेमी कंडक्टर मटेरियल भी देखिए, सेमी कंडक्टर्स आर मटेरियल्स विच हैविंग द कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, मतलब एक ऐसे मटेरियल जो हमको कंडक्टिविटी भी प्रदान कर रहे हैं और जो हमको इंसुलेटिंग इंसुलेटर की तरह भी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात ये जनरेट हुई कि कब ये इंसुलेटर की तरह काम करेंगे और कब ये कंडक्टर की तरह काम करेंगे। तो थोड़ा चीज और जान देते हैं इसके बारे में। तो ये जब सेमी कंडक्टर मटेरियल हमने डिस्कवरी कर ली, हमें पता चल गया कि हमको एक ऐसा मटेरियल मिल चुका था कि जिसको जिसमें हमको वैक्यूम ट्यूब की आवश्यकता नहीं थी, और हम इसी मटेरियल के थ्रू चार्ज कैरियर को बैलेंस कर सकते थे, हम जितना चाहे उतना इलेक्ट्रॉन अपने अपने हिसाब से डिवाइस में फ्लो करा सकते थे, और उस डिवाइस को पर्टिकुलर वोल्टेज पे पर्टिकुलर करेंट पे हम फ्लो करा सकते थे बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए इस मटेरियल की सहायता से। ठीक है, और हम जब चाहे हम किसी भी डिवाइस से कंडक्टिविटी को ख़त्म भी कर सकते थे या कम कर सकते थे। इसके साथ ही हमारे पास अब हमको जब ये ज़्यादा खोज ये सारी शुरू हुई, तो उसके बाद फिर हमको एक चीज़ और मिली कि अब हम इसमें एक देखने लगे कि इसमें हमको दो तरीके के टाइप्स मिलने लगे, मतलब दो तरीके के हमको सेमी कंडक्टर मटेरियल मिलने लगे। एक हमें मिलने लगा आपका, एक मटेरियल ऐसा मिला जो प्योरली सेमी कंडक्टर था, मतलब कि उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं थी, नेचुरल तरीके से वो अपना काम करता था। और एक मटेरियल हमें मिला जिसमें हमने खुद इम्प्योरिटी को मिला के बैलेंस करने की कोशिश की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेकेंड चीज में लिखा भी हुआ है सेकेंड स्टेज पे कि सेमी कंडक्टर मटेरियल्स कैन बी प्योर एलिमेंट सच एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सेमी कंडक्टर मटेरियल क्या के जो दो टाइप्स होते हैं जो प्योरली होते हैं जिसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं होती, वो होती है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। ठीक है, कंडक्टर में भी देखिए यहाँ पे सेकंड थर्ड लाइन में क्या ये चीज लिखा हुआ है, कंडक्टर में भी कंपाउंड एज अ जेलेनियम आर्सेनाइड और कैडमियम सल्फेट। अच्छा, कैन बी कंट्रोल नंबर ऑफ द चार्ज कैरियर। सेमी कंडक्टर के बारे में है कि जो हमारे चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल, उसको हम क्या करते थे मैनुअल तरीके से अपने हिसाब से हम कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके के मटेरियल में जिसका फंक्शन जो था इलेक्ट्रॉन और होल बेस्ड था। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा था वो सारे फंक्शन इलेक्ट्रॉन्स बेसिस थे, मगर अब जो हमें फंक्शन पढ़ रहे हैं, जो स्पेशल मटेरियल है जिसमें हम इसको पढ़ रहे हैं, सेमी कंडक्टर मटेरियल जिसमें हम फंक्शन पढ़ रहे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बारे में।
और इसमें हम क्या कर सकते थे, करंट की डायरेक्शन को भी खुद ही फिक्स कर सकते थे। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कहाँ कहाँ किस किस चीज का यूज होता है। जैसे जर्मेनियम, जर्मेनियम का यूज हम कहाँ किस सेमीकंडक्टर डिवाइसों में करते हैं, देखते हैं। दिस टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल वॉज यूज फॉर मेनली डिवाइस, रेडार में यूज कर सकते हैं, डायोड में, ट्रांजिस्टर्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, हायर रिजर्व कंडक्टिविटी होती है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट इनका क्या होता है, निगेटिव। जर्मेनियम को अगर हम सिलिकॉन को यूज करते हैं, तो सिलिकॉन से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, आईसी हम बना लेते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, जो मैंने आपको पहले ही पूरा लेक्चर में बता चुके हैं कि आईसी वर्क कैसे करता है, क्या फेनोमेना है, क्या कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन से सिग्नल्स यूज किए जाते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो रिविजन क्लास है तो स्टार्टिंग को ले रहे हैं, तो हम आईसी का यूज, आईसी में यूज करते हैं सेमी कंडक्टर मटेरियल का, जिसमें हम सिलिकॉन का, नॉर्मली हम सिलिकॉन का यूज कर लेते हैं। सेकेंड हमारे पास है जेलेनियम आर्सनाइड। जेलेनियम आर्सनाइड का यूज हम क्या, हाँ, मॉस्फेयर बनाने में कर सकते हैं, जैसे कि मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, उसको बनाने में हम कर सकते हैं, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड का यूज हम एलईडी लाइट बनाने के लिए करते हैं, जो लिक्विड एमिटिंग डायोड हमारा बनता है सिलिकॉन सिलिकॉन कार्बाइड का बनता है। जेलेनियम नाइट्रेट, जेलेनियम नाइट्राइट का इस्तेमाल हम ईएसडी तथा एलईडी दोनों बनाने में कर सकते हैं। आईसी में इसका माइक्रो वेस्ट में यूज किया जाता है इसका। अच्छा, अभी फंक्शन है कि हम कैसे वर्क कराएंगे, तो वो हम देख लेते हैं कैसे वर्किंग होती है यहाँ पे। देखिए प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें हम कैसे करेंगे, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर हमको इलेक्ट्रॉन होल दोनों मिलते हैं। पर आपको ये भी पता होगा कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल तो हमें होल भी मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, बॉन्डिंग हमको 8 की कंप्लीट करनी, कैसे हम करेंगे। इस तरह करेंगे कि अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को देख रहे हैं तो देखिए एसआई के पास हमारे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एसआई के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इनको किसी और मटेरियल की जरूरत नहीं है अपने ही एटम्स को बाउंड करने के लिए, अपने ही बॉन्डिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी और मटेरियल की इनको जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेंगे कि जो जितने भी आईसी हमारे एसआई हमारे पास जितने भी होंगे, वो सब आपस में बॉन्डिंग करेंगे। आपस में बॉन्डिंग करने से क्या होगा, एक आईसी अगर दूसरे आईसी से अपने पास वाले एसआई से बॉन्डिंग करता है, एसआई से अगर बॉन्डिंग करता है पास वाले से, तो आप देखिए कि सबके पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे सबके पास, और ये फेनोमेना चलता जाएगा। कैसे चलेगा, जैसे यहाँ पे आपने, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, हाँ, अब यहाँ पे अगर हम चार्जेस की बात करें, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनको क्या करेंगे हम, ये मटेरियल को, ये पूरा एक मटेरियल हो गया, ठीक है, एसआई का, एसआई का पूरा एक मटेरियल हो गया, इसको हम देंगे हीट, हीट दें या रूम टेम्परेचर से थोड़ी सी ज्यादा हीट दे देंगे, तुरंत इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक्साइट होना शुरू कर देंगे और अपनी पोजीशन को छोड़ना शुरू कर देंगे। एक्साइट एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इनके सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अपने आप को एक्साइट करने लगेंगे और सभी अपनी पोजीशन को छोड़ने लगेंगे। अपनी पोजीशन को जैसे ही छोड़ेंगे, तो ये क्रिएट कर देंगे एक होल जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे देखिए उसी चीज को ग्रीन से दिखाया गया है, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह ये क्या करेंगे, खुद के फंक्शन को कम्प्लीट करेंगे एज अ होल और इलेक्ट्रॉन फिनोमेना को लेते हुए। तो अपनी बैलेंसिंग को ही इस तरह ऑक्टल बना बना के कंप्लीट कर लेंगे, और हल्की सी हीट में इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर जाएंगे और अपनी पोजीशन पे होल छोड़ जाएंगे। यही फंक्शन लगातार चलता रहेगा और ये पूरा फनामना हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल के मैकेनिज्म में आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज कैरियर के बल पे ये काम करेंगे। आगे चलते हैं, वही चीज यहाँ पे दिखाई भी गई है कि जैसे यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे दिखा दिया गया है। ऐसे ही हर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहर दिखाया गया आपका, और ये हर एक क्या करेगा, अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाते जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा, हर एक बनाएगा और हर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना बना के अपने इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल कर लेगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। ये मैकेनिज्म आपकी लगातार चलती रहेगी। तो ये एक नया जो फिनोमेना हमारे सामने आया वो हुआ क्या, होल का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कैसा एक मैकेनिज्म मिला, चार्ज कैरियर बेस्ड मैकेनिज्म, इसमें होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही वर्क करते थे। ये आपका जो यहाँ पे जो बना हुआ है वो है सिलिकॉन क्रिस्टल
लैटिस स्ट्रक्चर। सिलिकॉन क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में देखिए, अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है, कुछ इस तरह का। मगर आप अगर बहुत ध्यान से देखिए तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है जो आपको फ्रंट से दिखाया जा रहा है। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, जो फिजिकली तौर पे ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है, एक घनाभ की तरह हो जाता है इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे घन होता है उसकी तरह हो जाता है, क्यूबॉइड की तरह नजर आने लगता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और ये फिजिकली ऑब्जर्व किया जाता है। और इसी की स्टडी हमको पूरे चैप्टर के अकॉर्डिंग करनी है, हम लोग पूरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको करनी है इसी के मैकेनिज्म के बारे में। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखा दी गई है कि सिलिकॉन क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ये फिनोमेना आपको एक और यहाँ पे बता दिया जा रहा है क्रिस्टल का, कि हमने इसको पहले क्या था, पहले हम ऐसा ही हमारे पास नॉर्मली क्या थे, बैलेंस पड़े हुए थे, चार चार इलेक्ट्रॉन लिए थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था हमारे पास, टेम्परेचर इनको हम मिल नहीं रहा था, जीरो टेम्परेचर पे थे, कोई वर्क नहीं कर रहे थे। जैसे ही हमने इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाया, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा इंक्रीज किया, ये अब एक्साइट होने लगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को हटाने लगे और अपनी पोजिशन पे होल्स को क्रिएट करने लगे। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का ये जो सिस्टम है लगातार चलता है। अब क्योंकि होल जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट हो रहा है, इस वजह से इनकी एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से थोड़ी कम होगी। ठीक है, और इनका जो पाथ होगा वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का पाथ स्मूथली वर्क करेगा, वो इजिली निकल जाते हैं, अपनी जगह से इजिली निकल गया है, और वहां पे एक दूसरा फेनोमेना आया जहाँ पे उनको दूसरे इलेक्ट्रॉन को डालना है, जाना है, उस दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां पे अपने आप को स्टेबल करेगा, तो वहां पे कुछ डैमेज होता है जिससे एनर्जी डैमेज होता है और वेव फॉर्म हमारा कुछ डिसबैलेंस नजर आता है, जो कि अभी आगे दिखेगा आपको। देखिए ये है, ये इलेक्ट्रॉन करंट है और ये होल्स हैं, यहाँ पे आपको ग्राफ भी दिख रहा है लगातार अप डाउन होता हुआ। तो ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत तेज, क्योंकि उनको जरा से हीट देंगे बहुत तेजी से मूव करके हटेंगे, और होल्स उसकी तरफ स्लोली मूव करेंगे। स्लोली मूव इसलिए करेंगे क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन के फंक्शन से चलना है, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तब चलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब एमिट होगा तब ये चलेंगे, और दूसरी चीज क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट हो रहा है, इस वजह से अपने अपनी पोजिशन को कुछ डिसबैलेंस करते हुए चलेंगे, स्लो चलते हैं दोनों का। अगर आप वेव फॉर्म देखेंगे दोनों का और दोनों की चलने की पोजीशन देख लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव करेगा और जो होल्स है बहुत स्लोली मूव करेंगे। ये अपने पोजीशन पे स्मूथली निकलेगा और जो होल्स है आपका वो कुछ डैमेज बैकग्राउंड लेते हुए अंदर जाएंगे। वेव कॉन्फिगरेशन इसका इन दोनों का है, यहाँ पे देख लीजिए वेव कॉन्फिगरेशन दिखा भी रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है आपको ब्लू से दिख रहा है और जो आपका रेड है वो आपका होल्स है। होल क्या होगा, एनर्जी लेवल इनको हाई देना पड़ेगा एमिट कराने के लिए। अगर हम ये बात कहें कि होल से हमें कोई फंक्शन को, होल की वजह से हमें किसी डिवाइस को चलाना है ना कि इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो हमको उस डिवाइस को ज़्यादा से ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा जिसकी वजह से उसकी एनर्जी हाई हो। ठीक है, अच्छा ये है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट की बात है और है डोपिंग। पहले हम आपको डोपिंग की बात बता दे रहे हैं कि डोपिंग क्या होती है। अगर हम बात कर रहे हैं डोपिंग की, तो डोपिंग एक तरीका का इम्प्योरिटी होता है जो एक सेमी कंडक्टर मटेरियल में मिलाया जाता है। अब वो इम्प्योरिटी क्या है, वो इम्प्योरिटी है दूसरी किसी मटेरियल का उसमें इन्वॉल्व होना। जैसे कि हम अगर बात करें कि हमने रेड कलर का एक कलर ले लिया, कलर बॉक्स लिया, हमने पेंट लिया रेड कलर का, और उसमें हमको मिलाना है कोई दूसरा कलर, जैसे कि हमने येलो मिला दिया, तो हमने येलो कलर को रेड में मिला दिया, तो ये फंक्शन जो कहलाएगा वो डॉपिंग कहलाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस जो कहलाएगा वो डॉपिंग कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिकल में हम उसी चीज़ को डॉपिंग बोलते हैं, किसी मटेरियल में किसी दूसरे मटेरियल का मिलना मिलाना और प्रॉपर्टी में उसके चेंज लगातार आना वो डॉपिंग कहलाता है। जैसे हम सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाते हैं तो इम्प्योरिटी आती है, तो वो डॉपिंग कहलाती है। ठीक है, इम्प्योरिटी की वजह से हमारा कुछ ना कुछ जो है उसके जो प्योर फंक्शंस होंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल के वो चेंज होंगे। ठीक है, अच्छा निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट को मैंने डिटेल्स में आपको बहुत बताया था, तो एक बार फिर से बता दिया जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें, तो आप ये जानते हैं कि रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की क्या होती है। रेजिस्टिविटी होती है उस मटेरियल की कितनी कैपेबिलिटी है करंट को बैलेंस करने की। ठीक है, एक वायर जो एक करंट एक वायर कंडक्टिंग वायर, अगर उसकी कैपेबिलिटी 10 एम्पियर से अधिक, 10 एम्पियर से अधिक के करंट को बैलेंस करने की नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसकी उस वायर की कैपेबिलिटी ही हमारी उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। जैसे हमने 5 एम्पियर का एक वायर लिया और अगर हम उस पर 10 एम्पियर की करंट फ्लो करा दी, तो उस वायर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो 10 एम्पियर के करंट को होल्ड कर पाए।
तो इस एक एक वायर की कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता ही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है बेसिकली। आप यही बात है और कुछ नहीं है। मोबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो मोबिलिटी कुछ नहीं होता आपका, जैसे कि आप जान रहे हैं, जैसे कि हम लोग को पता है, जैसे मोबिलिटी इज जस्ट लाइक अ वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इतना इतना, ठीक है जी। हम बता देते हैं मोबिलिटी का कुछ ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं। मोबिलिटी क्या होता है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी डेवलप होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब डेवलप होगी तो वहाँ पे कुछ वोल्टेज डेवलप होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तभी वोल्टेज रहेगा, मतलब वोल्टेज सप्लाई होगी तभी करंट सप्लाई होगा और तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पे है तो वहाँ पे वोल्टेज भी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को की जो फंक्शन वैल्यू होती है उसको बैलेंस जो करता है वो, उस फेनोमेना में जो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करता है वो उसकी कहलाती है क्या, मोबिलिटी। अच्छा, अब हम आते हैं आगे बढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज और मटेरियल्स क्या होते हैं। किसी मटेरियल में हमको आठ या सात या आठ तरीके की प्रॉपर्टीज मिलती है, एक केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी। और इसके साथ ही हमको जो मिलेगा एक ऑप्टिकल फिजिकल प्रॉपर्टी और थर्मल प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे यह भी लिखा हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इसके साथ ही हमको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और थर्मल प्रॉपर्टी। बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हमको जिस प्रॉपर्टी की जरूरत होती है वो सबसे अधिक हमारे पास होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इसके साथ ही हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इन तीन चीज का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसों को बनाने के लिए और उसको अच्छे से जानकारी जानने के लिए हम करते हैं कि इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, हमारे जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैसे, हमारा इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कैसे हमारा हो रहा है। और अगर हम उसकी बात कर लेते हैं, कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टी की, तो हमारी टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट कैसा है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट कैसा है, थर्मल एक्सेशन उसका कैसे हो रहा है, मतलब कितनी एटम्स कितने खिंच रहे हैं कितने नहीं खिंच रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास ऑप्टिकल की अगर हम बात करें तो किसी भी हम मटेरियल पे हम क्या करते हैं, अगर हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम उस मटेरियल पे लाइट का इफेक्ट देते हैं कि हम उस मटेरियल पे लाइट डालेंगे तो उसके मटेरियल की लाइट के साथ उसका कैसा इन्वॉल्वेशन है, कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, कौन सी ऑब्जर्व कर ली जा रही है, कौन सी ट्रांसफर हो जा रही है, ये सारी चीज़ें हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं डक्टिबिलिटी उसकी क्या है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उस मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। अब एक चीज और आपको बता दे रहे इसके अंदर कि बॉन्डिंग हमारे साथ कैसे कैसे काम करता है, एटॉमिक बॉन्डिंग हो गई, किसी मटेरियल की एटॉमिक बॉन्डिंग कैसे कैसे होती है, तो उसके अंदर भी हम तीन चार चीज पढ़ेंगे। जैसे अगर मेटल्स की बात करें तो मेटेलिक बॉन्डिंग आ जाएगी, आयन्स की बात करें आयनिक बॉन्डिंग आ जाएगी, अगर हम एक एक मेटल नॉन मेटल की बात कर लें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग आ जाएगी। तो इस तरह की बॉन्डिंग तीन तरीके की होती है जिसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। आयनिक बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो एक मेटल एक नॉन मेटल लीजिए आप, जैसे आप ले हमारी NaCl है, तो सोडियम आपको पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, दोनों का एटॉमिक कन्वर्शन करेंगे, आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी बॉन्डिंग करेंगे और उस बॉन्डिंग को हम कर देंगे आयनिक बॉन्डिंग, क्योंकि दोनों पे आयन के चार्ज होंगे, आयन अपना क्या करेंगे एक दूसरे को एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे, आयनिक बॉन्डिंग। देखिए यहाँ पे वो चीज दिखाई भी गई है कि सोडियम है और क्लोरीन है, तो यहाँ पे हमको एक आयन की आवश्यकता है जो ये हमको सोडियम जाके दे देगा क्लोरीन को, तो ये अपना ऑक्टल पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे चार चार्ज जाएगा सोडियम पे प्लस का, क्लोरीन पे माइनस का, तो जो जो चार्जेस आएंगे माइनस और प्लस और माइनस के वो आपके आयनिक बॉन्डिंग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, अगर जैसे O2 का एक ही तरीके के एटम्स हमने लिए, O2 ऑक्सीजन लिया हमने और दोनों को हमने क्या किया, दोनों को हमको कितने चाहिए, दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों को अपने ऑक्टल पूरा करने के लिए, दोनों ही अपने आपको क्या कर रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन दे के साझा कर ले रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्रेस किया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। मेटेलिक बॉन्डिंग, जैसे कि हम बात कर लें, अगर हम मेटेलिक बॉन्डिंग बात करें तो आप जैसे सोडियम ले लीजिए, सोडियम है और आयरन है, दो मेटल्स हैं, दो मेटल्स आपस में जितने भी उसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, जिसको जितनी जरूरत होगी उतनी बॉन्डिंग उसके साथ करेगा क्योंकि दोनों मेटल, इसलिए मेटेलिक बॉन्डिंग उसको बोल दिया गया।
कोरिजन की हम बात बता दे रहे हैं आपको, कोरिजन क्या होता है। कोरिजन एक तरह का आपका, जैसे कोरिजन बोलते हैं जंग लगना किसी चीज पे, तो ये होता है बेसिकली एटमॉस्फेयर की वजह से। एटमॉस्फेयर में कुछ पानी वगैरह हो गया, गैसेस वगैरह हो गए, इसकी वजह से किसी के जैसे कोई कोई मटेरियल होता है जो एटमॉस्फेयर की वजह से अपनी ओरिजिनल स्टेट को में क्षति उसकी आ जाती है, मतलब नुकसान हो जाता है और अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। तो ये चीजें होती हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन के बीच होता है उस वो कोरिजन कहलाता है। और उसके वजह से उस मटेरियल की जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो आपकी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनलिटी को चेंज करता है। मगर इसका इफेक्ट, ये इफेक्ट स्टार्ट होता है किसकी वजह से, एटमोसफियर के, हमारे इन्वायरमेंट की वजह से। जैसे यहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि एक, यहाँ पे दिखा दे रहा है, यहाँ पे दिखाया आयरन है, एक आयरन बार हमने लिया हुआ है। आयरन बार को हमने एक ऊपर रख दिया है कहीं पे, जहाँ पे हम हमारे एटमोसफियर से कनेक्ट में ये आयरन बार है, मतलब लोहे का एक टुकड़ा हमने लिया और उसको हमने काफी टाइम, लंबे समय तक हमने उसको बाहर खुले में रख दिया। तो वहाँ पे पानी बरसने की वजह से या ऑक्सीजन की वजह से इसमें क्या आएगा, ऑक्सीजन की वजह से ये रिएक्ट कर जाएगा, आयरन ऑक्सीजन साथ रिएक्ट कर जाएगा और कुछ इस तरह का कंपोनेंट बनाएगा Fe2O3, जो कि क्या होगा, ब्राउन कलर का होगा। ये ब्राउन कलर क्या होगा, इस आयरन के ऊपर दिखने आपको लगेगा, जो कि जंक होता है, जंक बोलते हैं हिंदी में कोरिजन को, जंक की तरह आपको दिखेगा। ऐसा ही फंक्शन आपका सिल्वर के साथ भी होता है और कॉपर के साथ भी होता है। सिल्वर में भी ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो अपनी सतह को छोड़ के ब्लैकिश दिखने लगता है। रिएक्शन इनके बीच होता है, वो रिएक्शन हम लोग को पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जो चीज हमारे सिलेबस में हम उतना ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की बात बताएं तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के अंदर हमारा तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये दो चीजों की बात बताई जाएगी आपको, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये दोनों मैं आपको कल कल पढ़ा दूंगी, ये दोनों कल आपको रिपीट करा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, और आज के लिए थैंक यू।